जीके विद मीनिंग। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की है, तो पहले वाली क्लासेस में हम हरियाणा का ऐतिहासिक परिचय पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे की क्लास जो रहेगी वो भी हमारी हिस्ट्री, हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड ही रहेगी। आपको पता होगा कि हमने पहले वाली क्लासेस में वैदिक सभ्यता में हरियाणा को क्या कहा जाता था, ऋग्वेद में क्या कहा जाता था, अलग अलग पुस्तकों में हरियाणा को क्या नाम दिया गया, उन सब के बारे में पढ़ लिया। अभिलेखों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, सिक्के, मुद्राएं और कौन सा गणराज्य था यहाँ पर, कौन से पीरियड के बाद में कौन सा, मतलब कौन सा पीरियड आया, उन सब के बारे में हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो क्लासेस देख सकते हैं। 7 से 8 क्लासेस हम पहले कर चुके हैं जिसमें हमने हरियाणा का ऐतिहासिक परिचय पढ़ा है। आज की क्लास भी हमारी रहेगी हरियाणा की मूर्तियों के बारे में। ये भी आपका जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी आपके हरियाणा के ऐतिहासिक परिचय से ही संबंधित है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। जब तक हरियाणा की हिस्ट्री, इस क्लास के बाद आपके हरियाणा की हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल से कि कहां से, कौन सी साइड से हरियाणा में क्या मिला, जैसे राखीगढ़ी, वैदिक सभ्यता, शीशवाल सभ्यता, मीथा, थल, बनावली, उन सब से हरियाणा में क्या क्या, मतलब कौन सी साइड से क्या इंपोर्टेंट साक्ष्य मिले हैं, उन सब के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम जानेंगे हरियाणा की मूर्तियों के बारे में, हरियाणा की स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है, ये सभी किसका हिस्सा होते हैं, स्थापत्य का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक बार समराइज करा देती हूँ कि आपके हरियाणा में वैदिक सभ्यता, जैसे आपके पहले, सबसे पहले हड़प्पा थी। ठीक है, आपने इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इससे पहले आद्य ऐतिहासिक काल था जिसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि पंचकुला कालिका से क्या, पिंजोर कालिका से क्या मिला था, एक मानव खोपड़ी मिली थी, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था। जिसने ये क्लासेस देखे होंगे उनको अच्छे से याद होगा और आपका क्या हो जाएगा, इससे रिवीजन भी हो जाएगा। तो मानव खोपड़ी जो थी वो कितने करोड़, 1.5 करोड़ साल पुरानी थी, जो किसमें मिली, आद्य ऐतिहासिक काल में मिली थी। आद्य ऐतिहासिक काल वो था जिसको पढ़ा नहीं गया था, मतलब जिसमें क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल में जो मनुष्य था वो कैसा रहता था, जंगलों में रहता था और आदि मानव की तरह रहता था। तो इसको ये यहाँ पर आदमी जो था वो मनुष्य की तरह नहीं रहता था, जानवरों की तरह अपना जीवन व्यतीत करता था। फिर इसके बाद में आता है हमारे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए हमारी फेमस थी क्योंकि हमारे हरियाणा में बनावली एक ऐसी साइट है जो हड़प्पा की सबसे मेन साइट मानी जाती है। उसके बाद राखीगढ़ी, जो आज हमारे हरियाणा में अधिक विकसित मतलब की जा रही है, यहाँ पर म्यूजियम भी बन रहा है, राखीगढ़ी है, जैसे बनावली है, बनावली के साथ में मीठा थल है ना, यहाँ से मीठा थल से हमारे समुद्रगुप्त के सिक्के भी हमने पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, सिक्कों की क्लास जब कराई थी तो समुद्रगुप्त के सिक्के मिले थे हमारे यहाँ। इसके बाद हमारे यहाँ पर क्या एक्टिव हुआ, वैदिक सभ्यता एक्टिव हुई। वैदिक सभ्यता में हमारे इसलिए फेमस है क्योंकि जो आर्य थे, हमारे हरियाणा को क्या कहा गया, ब्रह्मार्यव्रत, जो कुरुक्षेत्र वाला एरिया था वो सभी क्या कहलाया, ब्रह्मार्यव्रत कहलाया। मैंने आपको बताया था कि ऊपर यहाँ सप्त सैंधव प्रदेश से लेकर ओडिशा तक क्या था, हमारे जो आर्य थे वो फैल गए थे, तो इन्होंने इसे क्या नाम दे दिया था, आर्यव्रत नाम दे दिया था। इसलिए हमारे इंडिया को क्या, किस नाम से जाना जाने लगा, आर्यव्रत के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन इसके बीच में क्या आता था, हमारा हरियाणा भी कहीं ना कहीं शामिल था, इसलिए हरियाणा को ब्रह्मार्यव्रत कहा गया। ठीक है, तो ये सब तो हम पढ़ ही चुके थे, ब्रह्मार्यव्रत किसे कहा गया, हमारे हरियाणा को कहा गया। ठीक है, इसके बाद वैदिक सभ्यता इसीलिए फेमस हो गया। ठीक है, और इसमें क्या था, हमारे ये जो सप्त सैंधव प्रदेश था, ये कहाँ रहते थे, सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। सप्त सैंधव प्रदेश में हमारा इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें हमारी एक महत्वपूर्ण नदी का नाम आता है जिसका नाम है सरस्वती। ऋग्वेद में भी सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया है और ये हमारे हरियाणा की ही मतलब प्रमुख नदियों में से एक है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इसमें हमारे हरियाणा का इतिहास जुड़ा हुआ है। यहाँ तक ये सब बातें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद वैदिक सभ्यता के बाद में यहाँ पर 950 BC में ये उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, हमारे यहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आपको पता होगा वैदिक पीरियड मैंने आपको पढ़ाया था 1500 से 1000 BC के बीच में था, ये था वैदिक पीरियड। इसके बाद था उत्तर वैदिक पीरियड में आपके 1000 BC से आपके 600 BC का टाइम पीरियड था, जिसके बीच में 950 BC के आसपास आपके हरियाणा में
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया और इसलिए महाभारत के युद्ध के कुछ साक्ष्य मिले, जिस तरीके से आपके हरियाणा में कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। तो यहीं पर बहुत अलग अलग बाद में इनकी जो ब्रांचेस थी, मतलब इस प्रकार लगा लीजिए कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो ऐसा नहीं था कि सभी लोग युद्ध में मारे गए थे, आगे इनके वंशज भी बचे जिसमें से कुछ अर्जुनायन थे, कुछ योद्धे थे, कुछ जैसे आपके अग्र थे, कुनिंद थे। तो ये सभी कहीं कहीं छुटपुट छुटपुट एरिया में एक्टिव हो गए। मैंने आपको बताया था ऊपर की तरफ अंबाला की पट्टी में क्या थे, कुनिंद थे, और पूरा का पूरा उत्तर भारत किसका था, योद्धियों का था, ठीक है। और इसके बाद दक्षिण की पट्टी में गुरुग्राम और फरीदाबाद की तरफ आपको मैंने पढ़ाया था अर्जुनायन थे। तो ये सभी बातें मैंने आपको इंटरलिंक करके पढ़ा दी थी इसके बाद, परंतु ये उस समय ज्यादा एक्टिव नहीं हुए क्योंकि आपके यहाँ पर वैदिक सभ्यता के बाद में महापद्मानंद का महाजनपद था, ये कहीं ना कहीं दब गए, ठीक है। इनको मतलब ये इन्होंने इतना अधिक अपना जिस तरीके से बहुत अधिक इनका मोल वाला उस समय हरियाणा में नहीं हुआ, उसे उसके बाद हमारे इंडिया में महाजनपद पीरियड आया था। महाजनपद पीरियड में आपको पता है इसमें आपके तीन दो जो धर्म थे ना वो बहुत अधिक फेमस हुए। इससे पहले तो आपके यहाँ पर सनातन धर्म पहले से था, ये हिंदू धर्म सनातन धर्म वैदिक पीरियड से था, जिसमें ऋग्वेद और सरस्वती नदियों का जिक्र ये सब किया गया, हवन आदि के बारे में बताया गया। इसके बाद महाजनपद पीरियड में आपके बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म पनपा था, ठीक है। तो ये धर्म दो धर्म जो थे ना ये बहुत अधिक एक्टिव हुए इसके बाद आपके महाजनपद काल में। इसके बाद जब महापद्मानंदन था उसके बाद कौन आया, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद हमारे क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था इसने संपूर्ण अखंड भारत को एक करने का सपना चंद्रगुप्त मौर्य लेकर आया था, जिसकी सहायता चाणक्य ने की थी। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था और इसने क्या किया, पूरे के पूरे इंडिया पर क्या कर लिया था, अपना बोलबाला स्थापित कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मतलब इसके बाद में जैसे इसके पीरियड में बिंदुसार था, अशोक था, तो अशोक को हमने पढ़ना जरूरी है क्योंकि अशोक के अभिलेख कहां से मिले, हमारे हरियाणा से मिले, जिसमें हमने टोपरा के अभिलेख के बारे में पढ़ा था। आपके यहाँ से टोपरा मिला, फतेहाबाद से हुमायूं का अभिलेख मिला, जो क्या माना जाता था कि जो ये फतेहाबाद का हुमायूं अभिलेख है ये पहला कौन सा अभिलेख है, मतलब किसका अभिलेख है, ये अशोक के टाइम का अभिलेख था, जिसको बाद में मुगलों ने क्या करा दिया, हुमायूं का अभिलेख इसको कहा गया, ठीक है। तो हुमायूं का अभिलेख था और यहाँ से फतेहा, जैसे आपके हिसार में लाट की मस्जिद है ना, लाट की मस्जिद, आज उसे हम लाट की मस्जिद कहते हैं, परंतु ऐसा माना जाता है किसी टाइम पीरियड में वो अशोक का अभिलेख था। तो हमारे हरियाणा से अशोक के अभिलेखों के साक्ष्य भी आपको देखने को मिले। इसके बाद आपके महाजनपद पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, और इसके बाद ये जैसे आपके अशोक हुआ, अभिलेख लिखवाए। इसके बाद में महाजनपद पीरियड के बाद आपके यहाँ पर क्या आया, इसके बाद मौर्य काल के बाद में आपके यहाँ पर महाजनपद के बाद क्या आया था, मौर्य के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद क्या आया, मौर्य, ठीक है। मौर्यों के बाद में आपके यहाँ पर कोई भी बहुत अधिक शक्तिशाली राजा नहीं था, तो इसके बाद में कौन सा टाइम पीरियड पनपा यहाँ पर इस, तो अब मैंने जो आपको बताए थे यहाँ पर जिस तरीके से अर्जुनायन थे, कहीं ऊपर कुनिंद थे, बीच में आपके योद्धे थे, तो ये ज्यादा क्या होने लगे, एक्टिव होने लगे थे, ठीक है। तो हरियाणा की पट्टी में इनका जो राज है वो देखने को मिला था। ये हम इंडियन हिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, ये सिर्फ हम हरियाणा की हिस्ट्री में पढ़ते हैं अर्जुनायन, योद्धे, अग्र, क्योंकि हमारे हरियाणा में एक्टिव थे। इसके बाद यहाँ पर कोई बहुत अधिक शक्तिशाली राजा नहीं हुआ, पर इस समय में जैसे आपके यहाँ पर बाद में मौर्योत्तर पीरियड में जैसे कुषाण आए, कुषाणों के बारे में पढ़ाया था मैंने, कुषाणों का जो प्रमुख राजा था उसका नाम क्या था, कनिष्क था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कनिष्क ने किसको हरा दिया था, योद्धों को हराया था, और इसके सिक्के भी मिले। कनिष्क के कुषाणों के सिक्के कहाँ से मिले, खोखरा कोट से, रोहतक से, प्रिकृतनाक से। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कुषाण थे उन्होंने किसे हरा दिया था, योद्धों को, और योद्धों की राजधानी क्या थी, प्रिकृतनाक। और रोहतक से इसलिए मिले हैं, खोखरा कोट से इसके सांचे मिले, वो यहाँ पर क्या बनते थे, इनके जो सिक्के होते थे उनके सांचे बनते थे योद्धों के। तो इसीलिए कुषाणों के जो सिक्के हैं वो हमारे योद्धों की जो टेरिटरी थी वहां पर देखने को मिले। जो योद्धे और कुनिंद थे वो क्या हुए थे, एक हो गए थे, और उन्होंने किसके साथ में लड़ाई लड़ी थी, कुषाणों के साथ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ये हार गए थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये मैंने आपको सारा बता दिया था, ठीक है। इसके बाद जैसे आपके कुषाण, और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो बिफोर क्राइस्ट है और एडी है, उन दोनों को जोड़ने वाला कौन था, आपके कनिष्क था, बीच में जीरो था, और इधर क्या था, एडी था। 78 ईस्वी जो है ये कौन लेकर आया, आपके
के कनिष्क लेकर आया था, ठीक है। इसके बाद जैसे आपको मैंने बताया था कि हरियाणा में जो ज्यादा मतलब जो पुस्तकें हैं उनके साक्ष्य आपके हरियाणा में देखने को नहीं मिले। हरियाणा में 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक कोई भी अधिक साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले, ठीक है, क्योंकि यहाँ उस समय कोई बहुत अधिक शक्तिशाली राजा नहीं था। मौर्योत्तर पीरियड के बाद कुषाण आया। कुषाणों के टाइम पीरियड से जैसे 100 BC से लेकर 200 AD तक बहुत अधिक शक्तिशाली जो साम्राज्य है वो हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पर कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर इसके बाद में आपको जैसे आपके यहाँ 200 ईसा पूर्व के बाद जैसे आपके 300 ईस्वी के आसपास आपके यहाँ पर गुप्तों का टाइम पीरियड शुरू हुआ, ठीक है, जिसमें आपके चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमार गुप्त हमने पढ़ा था, है ना। हमारे यहाँ कुमार गुप्त इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें किसको फॉलो किया, मोर। इसके सिक्कों पर क्या मिला था, मोर। और योद्धों के सिक्कों पर भी क्या मिला था, मोर मिला था, ठीक है। तो ये इसीलिए हमने इसे पढ़ा गुप्त के बारे में। गुप्त के बाद में हमारे यहाँ पर जिस तरीके से कुछ छुपट छुपट गुप्तोत्तर साम्राज्य पीरियड है, गुप्तोत्तर पीरियड के बाद में आपके यहाँ पर क्या पनपा, हमारे हरियाणा में हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिला। आपको पता है हर्षवर्धन 606 से आपके 647 तक राजा रहा था। इसी के बीच में जैसे एहोल अभिलेख लिखवाया गया जिसमें ये क्या हुआ, जिसमें हार गया था पुलकेशिन द्वितीय से, और इसने हमारे हरियाणा के थानेसर को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। और बाद में इसकी बहन का जो पति था, राजश्री का पति था, उसकी मृत्यु होने के बाद ही अपनी राजधानी कहाँ ले गया, यूपी कन्नौज में ले गया, ठीक है। तो ये आपके छठी 7वीं शताब्दी तक का हमने पढ़ लिया। 7वीं शताब्दी के बाद आपके जैसे 8वीं और 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार एक्टिव रहे थे, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। इसके बाद कौन एक्टिव रहे आपके, गुर्जर प्रतिहार। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका इससे रिवीजन हो जाए, फिर मैं आपको यहाँ मूर्तियों के बारे में बता दूंगी, ठीक है। 7वीं से 8वीं शताब्दी तक आपके यहाँ पर कौन एक्टिव रहे, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ पर कोई ज्यादा मतलब बहुत अधिक फेमस राजा देखने को नहीं मिले। इसके बाद जैसे आपके यहाँ पर 10वीं शताब्दी में मैंने आपको बताया था आपके हरियाणा को हरियाणा कहा गया, जिसमें से आपके पुष्पदंत जी थे, पुष्पदंत ने अपनी पुस्तक में क्या कहा, हरियाणा को हरियाणा कहा था, ठीक है, कब, 10वीं शताब्दी के आसपास की बात है। इसके बाद आपके यहाँ पर 10वीं से 11वीं शताब्दी की बात की जाए तो आपके यहाँ पर एक्टिव हुए तोमर, ठीक है, जैसे आपके यहाँ पर तोमर एक्टिव थे। इसके बाद आपके चौहान आए, मतलब ये 9वीं शताब्दी लगा लीजिए आप, 9 से 10वीं शताब्दी तक कौन एक्टिव थे आपके यहाँ, तोमर एक्टिव थे। तोमरों के बाद में यहाँ पर 10वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास आपके यहाँ एक्टिव हुए चौहान। 11वीं से 12वीं बोलेंगे हम इसे, क्योंकि 1191 से 1192 में कौन थे, चौहान थे, है ना, 1191 1192 चौहान और यहाँ पर भदानक थे, ठीक है। तो हमारे हरियाणा पर इनका शासन रहा। इसके बाद आपके यहाँ पर बहुत अधिक मूर्तियों के साक्ष्य नहीं मिलेंगे। अब यहाँ से आपको मूर्तियों के साक्ष्य कोई भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि मूर्तियां कब बनती थी, हमारे हिंदू धर्म में यानी कि सनातन धर्म में, और ये सभी क्या थे, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को मानने वाले थे, सनातन धर्म को मानने वाले थे। इसके बाद 1200 का टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा और जब आपके 1191 और 92 में मोहम्मद गोरी किस पर आक्रमण करेगा, यहाँ पर लड़ाई करेगा पृथ्वीराज चौहान से, और इसके बाद आपके शुरू होगी सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी और आपके हरियाणा में मूर्तियां जो है वो मतलब उनका हिंदू धर्म का जो अस्तित्व था वो यहाँ पर थोड़ा खत्म हो जाएगा और यहाँ से मुगल पीरियड शुरू होगा। तो ये सभी हम हरियाणा का जितना भी ये समराइज था जो हमने पढ़ा था वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मूर्तियां किस तरीके से, किस किस की मूर्तियां हमारे हरियाणा में देखने को मिली, फिर मैं यहाँ लिख दूंगी यहाँ से कौन सी मूर्ति मिली है, आप उसको नोट कर लीजिएगा या चाहे तो इस क्लास को 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको उसके बारे में अच्छी समझ बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा रिवीजन हो गया है और जिसने भी ये क्लास रेगुलर देखी है मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि उसको भी ये रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है आपके यहाँ पर महाजनपद पीरियड था, ठीक है, महाजनपद पीरियड से पहले आपके वैदिक सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता में आपके सनातन धर्म क्या हुआ, बहुत अधिक चरम सीमा पर था। इसको हम सनातन धर्म या फिर हम हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म में आपके आपको क्या देखने को मिली, जिस तरीके से आपके यहाँ पर ज्यादातर कौन सी मूर्तियां देखने को मिलती थी, भगवान शिव की मूर्ति थी, ठीक है, हरियाणा में जैसे भगवान शिव की, विष्णु की,
जैसे शैव धर्म वैष्णव धर्म हमारे इंडिया में फैला ना, तो उसी तरीके से हमारे शिव भगवान की मूर्ति और विष्णु भगवान की मूर्तियां देखने को मिली। उसी प्रकार आपके यहाँ पर देवियों की मूर्तियां देखने को मिली, जैसे उसमें लक्ष्मी थी, दुर्गा थी, तो इस तरीके से आपके गंगा, इसकी मूर्तियां भी देखने को मिली है आपको, यमुना है ना, तो ये नदियों की फोटो भी बनवाते थे। तो ऐसे भगवानों की जो फोटो है वो कौन से पीरियड में देखने को मिली हमें, महाजनपद से पहले वैदिक सभ्यता में क्या था हमारे यहाँ, सनातन धर्म था, ठीक है, हिंदू धर्म। इसके बाद आपके महाजनपद में दो धर्म और पनपे, जिसमें से एक था बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के साथ साथ एक था आपके जैन धर्म। बौद्ध धर्म में तो बस आपको एक ही मतलब महात्मा बुद्ध की ही मूर्ति देखने को मिली होगी, कहीं कहीं पर महात्मा बुद्ध की पूरी मूर्ति मिली है और कहीं कहीं से महात्मा बुद्ध के सिर्फ सिर की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे हरियाणा में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां देखने को मिली। आपको आपने पढ़ा भी था पंपसूतनी, दिव्यादान और कथा कोश, भद्रबाहु चरित्र, जो बौद्ध और जैनों के क्या थे, महाकाव्य थे, जिसमें ये बताया गया था कि जिस तरीके से महात्मा बुद्ध या लोहाचार्य जी हमारे यहाँ पर आया करते थे। इसके बाद जैन धर्म की बात की जाए तो आपके यहाँ पर 24 तीर्थंकर हुए। इन 24 तीर्थंकरों में से आपके हरियाणा में इन 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां कहीं ना कहीं देखने को मिली, ठीक है। तो और इसके बाद मतलब आपको इससे पहले आपके जब हड़प्पा पीरियड था, आप मुझे बताइए कि जब हड़प्पा पीरियड था तो क्या हड़प्पा पीरियड में इन भगवानों की मूर्तियां देखने को मिली। तो हड़प्पा पीरियड में मैंने तो आपको पढ़ाया नहीं कि हड़प्पा पीरियड में आपको कोई भगवान की फोटो देखने को मिली हो। हाँ, वो भगवान शिव की, पशुपति नाथ की पूजा जरूर करते थे, परंतु इस तरीके से विष्णु शिव या ऐसी कोई फोटो या पूजा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा टाइम में क्या था, मैं आपको यहाँ रिकॉल कर देती हूँ। हड़प्पा जो था ना, ये हड़प्पा पीरियड के जो लोग थे किसको मानते थे, कहाँ रहते थे, ये सप्त सैंदव प्रदेश में रहते थे। तो यहाँ पर सिंधु नदी और यहाँ पर क्या थी, सरस्वती नदी। तो सिंधु और सरस्वती के आसपास इस तरीके से ये बसा करते थे, यानी कि किसी ने अपना घर इस तरीके से बना लिया, किसी ने यहाँ, किसी ने यहाँ, तो ये नदियों के किनारे रहते थे और ये पूजा करते थे जो यक्ष यक्षिणी की, ठीक है। ये यक्ष यक्षिणी की पूजा इसलिए किया करते थे ताकि ये मतलब इनसे प्रार्थना करते थे कि ये क्या ना इनके एरिया में बाढ़ ना आ जाए, ठीक है। तो यक्ष यक्षिणी की जो पूजा थी वो इसलिए करते थे बाढ़ से बचने के लिए। और इन्हीं के नदियों के आसपास ही आपको किसकी फोटोज देखने को मिलेंगी, यक्ष यक्षिणी की फोटोज देखने को मिलेंगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये कहाँ बसते थे, नदियों के आसपास रहते थे, तो अगर बाढ़ आएगी तो क्या होगा, इनका जो मतलब इनका जो घर है वो क्या होता, उसी में आ जाता, यानी कि इन्हें दिक्कतें होती तो क्या हुआ, ये किसकी पूजा करते, यक्ष यक्षिणी की पूजा करते थे। ऐसी इनकी मान्यता थी कि अगर हम यक्ष यक्षिणी की पूजा करेंगे तो हम बाढ़ से बच जाएंगे, ठीक है। बाढ़ से बचने के लिए यक्ष यक्षिणी की पूजा करते थे। तो हड़प्पा पीरियड में आपके यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां देखने को मिली, जो आपके ज्यादातर पलवल होडल इस एरिया में ज्यादा मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है, जैसे हमारे यहाँ लक्ष्मी की, गंगा, यमुना, ठीक है, वराह मिले हैं, शिव का वराह मिला, जैसे आपके हास्य के वराह मिले हैं, तो ये सभी क्या है, बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पर ये जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई है तो वो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। आपके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो हरियाणा से जो जो मूर्तियां मिली थी उन सबके बारे में, इससे पहले तो हम सभी रिविजन कर चुके हैं, अब आपको ये जो भी मैं समझाऊंगी वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है हरियाणा की दो प्राचीन नदियां, जिस तरीके से आपको मैंने बताया था हरियाणा में कौन सी थी, सरस्वती नदी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट थी। तो सरस्वती के साथ साथ कहीं कहीं पर दृष्वती का भी नाम आपके देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वामन पुराण में आपके हरियाणा की 9 नदियों का वर्णन है, उसमें से आपके सरस्वती और दृष्वती थी। तो ऐसा कहा गया कि हरियाणा की जो दो प्राचीन नदियां थी सरस्वती और दृष्वती, ये क्या थी, यहाँ पर जो सैंधव सभ्यता थी वो यहीं पर आसपास पनपी थी, ठीक है। तो यहाँ क्या थी, सैंधव सभ्यता यही विकसित हुई थी और यहीं से इनके जो मूर्तियां हैं, जैसे आपके यहाँ पर यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं, वो यहीं इसी एरिया के आसपास आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा में मूर्ति कला में जो प्रथम गांव है वो कौन सा है, आपके किलोई है, क्योंकि किलोई रोहतक से जो सबसे पुरानी ईंटों का मंदिर मिला है। हरियाणा में मूर्ति कला में जो प्रथम गांव है वो कौन सा है,
किलोई है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से सबसे पुरानी मूर्तियां मिली हैं। तो हरियाणा में मूर्ति कला का जो पहला गांव था वो किलोई, किलोई कहाँ पर है, आपके रोहतक में है, ठीक है। यहाँ से शिव के मुखलिंगम तथा दूसरे गांव में बेरी झज्जर से शिव के दो मुखलिंगम मिले हैं। तो हरियाणा के दो ऐसे जो एरिया है जहां से क्या मिले, भगवान शिव के मुखलिंगम मिले हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस तरीके से क्या होता है, जैसे आपकी शिवलिंग है तो शिवलिंग क्या होता है कि मतलब शिवलिंग पर भगवान शिव की फोटो नहीं होती है, तो ये दो ऐसे स्थान मिले हैं जहां पर शिव के मतलब फोटो बनी हुई है, किसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर। तो एक कौन सा गांव है उसमें से, किलोई गांव है, और एक है आपके झज्जर बेरी। क्या है, झज्जर बेरी में माता का मेला भी लगता है ना, आपको पता होगा। यहाँ पर मंदिर भी है, भीमा देवी मंदिर भी है। तो यहाँ पर क्या है, शिव के मुखलिंगम तथा दूसरे गांव बेरी झज्जर से इस प्रकार शिव के मुखलिंगम मिले हैं, ठीक है। और ये किससे बनाए गए हैं, जो चित्तीदार पत्थर होता है, लाल चित्तीदार पत्थर होता है, जिस तरीके से आपके गांव में आपने देखा होगा शिवलिंग बने होते हैं, तो शिवलिंग एकदम चित्तीदार पत्थर के बने हुए होते हैं। तो ये भी कैसे बने हैं, चित्तीदार पत्थर से बने हुए हैं, और उन पर क्या अंकित है, भगवान शिव की फोटो अंकित है, ठीक है। तो ये कहां से मिले, हरियाणा में मूर्ति कला में प्रथम गांव किलोई रोहतक से शिव के मुखलिंगम तथा दूसरे गांव बेरी झज्जर से शिव के मुखलिंगम मिले हैं। और ये कैसे है, चित्तीदार पत्थर के बने हुए हैं। तो आपको याद रखना है दो जगह है आपके, कौन सी, एक किलोई और दूसरी क्या है, झज्जर है। झज्जर कहां पर, बेरी में, ठीक है। इसके बाद है गुप्त काल। गुप्त काल जो पीरियड था, गुप्त काल ऐसा पीरियड हुआ जिसमें आपके इंडिया में मतलब जो मूर्तियां हैं, मूर्ति कला का विकास जो है वो सबसे अधिक हुआ। उसमें क्या बनने लगे, कहीं कहीं भगवान शिव की फोटो, जिस तरीके से कहीं पर आपके वराह, वराह कौन थे, विष्णु को कहा गया, ठीक है। विष्णु का अवतार क्या है, वराह है। गुप्तकालीन पीरियड में क्या बने हैं, रोहतक का क्या मिला है, वराह, ठीक है। इसके साथ साथ हांसी का वराह भी फेमस है, ये किसके हैं, भगवान विष्णु के हैं। तो ये कौन से पीरियड के माने जाते हैं आपके, गुप्तकालीन पीरियड के। गुप्तकालीन पीरियड में रोहतक का वराह और हांसी का वराह आपको देखने को मिलता है। वराह क्या है, भगवान विष्णु के अवतार है, ठीक है। ये कौन से पीरियड के थे, गुप्त काल के थे, ठीक है। और गुप्त काल में आपके यहाँ पर मूर्ति कला का सबसे अधिक विकास जो देखने को मिला वो कहाँ देखने को मिला है, आपके गुप्त काल में ही देखने को मिला है। इससे पहले आपको यहाँ पर बहुत अधिक जो मूर्तियां हैं वो नहीं देखने को मिली, जैसे वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड में भी आपने पढ़ा, कहीं भी आपने मूर्तियां नहीं देखी होंगी। हड़प्पा में बस यक्षिणी की फोटोज देखी है, और वो इसलिए क्योंकि नदी के आसपास रहते थे, भगवानों की फोटो नहीं देखने को मिली, ठीक है। इसके बाद रोहतक का वराह और हांसी का वराह, ये किसको समर्पित थे, भगवान विष्णु को। इसके बाद देखने को मिला कलायत, कलायत है कैथल। यहाँ पर सबसे गुप्तकालीन, सबसे पुरानी ईंटों का मंदिर अगर पूछे तो आपको क्या टिक करना होगा, कलायत कैथल। कलायत कैथल से गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित दो शिखर युक्त क्या मिले हैं, मंदिर मिले हैं। और ये सबसे पुरानी ईंटों का मंदिर अगर आपसे पूछता है तो भी आपको कलायत ही टिक करना है, ठीक है। गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित दो शिखर हैं इस पर, क्या है, दो शिखर। इस तरीके से आपके जैसे ऐसा लगा लीजिए, दो शिखर वाले मंदिर है, नीचे भी बना हुआ है और ऊपर भी बना है, बेसमेंट में भी मंदिर है और ऊपर भी मंदिर है, ठीक है। तो सबसे पहले, सबसे पुराना जो है वो कहां पर मिला, कलायत कैथल में मिला है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा में जो भी धार्मिक मूर्तियां मिली वो किसकी बनी हुई थी, टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है, जो पक्की ईंटें हैं जिन्हें आग में पकाया जाता है उसे क्या कह देते थे हम, टेराकोटा कहा जाता था। तो पक्की ईंटों से बनी हुई जो धार्मिक मूर्तियां हैं वो कहां से मिली हैं आपके, हरियाणा से मिली है, ठीक है। या फिर मंदिर कह लीजिए, मूर्तियां कह लीजिए, जो भी ये मतलब साक्ष्य मिले वो सब किसके बने थे, टेराकोटा के पक्की ईंटों के बने हुए थे। और कहां से प्राप्त हुए आपके, हरियाणा से प्राप्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी आपको समझाया था, अब आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। हरियाणा से प्राप्त मूर्तियां दूसरी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक ही मिली, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दूसरी शताब्दी से पहले आपके यहाँ पर मूर्ति कला का विकास नहीं था। उसके बाद आपके यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद गुप्त पीरियड आया था, गुप्तों ने ही मूर्तियों का ज्यादा मूर्तियां बनवाई, मंदिर बनवाए, तो इस तरीके की जितनी कलाकृतियां थी वो सब कब देखने को मिली आपको, गुप्तों के टाइम पीरियड में देखने को मिली। उसके बाद तो मतलब मूर्तियां जिस तरीके से बनती ही रही थी, जैसे भगवान विष्णु की, शिव की, लक्ष्मी की, जैसे आपने पढ़ा था कुनिंदों के टाइम में भी, उस टाइम में क्या मिले, सिक्के मिले थे, उस पर लक्ष्मी अंकित थी लेकिन मूर्तियां नहीं थी वो, ठीक है। और 11वीं शताब्दी तक, अब 11वीं शताब्दी तक ही क्यों मिला, क्योंकि 12वीं शताब्दी में कौन आ गए थे आपके यहाँ पर, 1200 के आसपास मुगल आ गए थे, ठीक है। और मुगलों के बाद में तो हमारे यहाँ पर मूर्ति कला का इतना अधिक विकास आपको देखने को नहीं मिला, ठीक है।
इसके बाद शुंभकालीन मूर्तियां, शुंभकालीन मूर्तियां कहां से मिली है, शुद्ध शुद्ध कहां पर है, आपके यमुना नगर में है। मैंने आपको पढ़ाया था शुद्ध से अभिलेख भी मिले थे, है ना, जैसे जैसे यमुना नगर से बारा खड़ी का अभिलेख और गुप्तकालीन यानी कि गोपाल मोचन अभिलेख, अधूरा अभिलेख, सब मैंने तो आपको पढ़ा दिया था। कुषाणकालीन, कुषाणकालीन क्या मिले, कुषाणकालीन जो मूर्तियां हैं वो कहां मिली, रोहतक में। ये ऐसा इसलिए हुआ, रोहतक में इसलिए मिली क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था इन्होंने किसको हराया था, योद्धों को। और योद्धे कहां रहते थे, कहां ज्यादा एक्टिव थे, भिवानी प्रीकटनाक में और आपके खोखराकोट रोहतक में। तो इसलिए इनकी जो मूर्तियों के साक्ष्य है वो कहां पर देखने को मिले, रोहतक में देखने को मिले हैं। इसके बाद पूर्व मध्यकालीन मूर्तियां, अधिकांश सबसे अधिक जो पूर्व मध्यकाल से पहले, मध्यकाल से पहले आपके कौन एक्टिव थे यहाँ पर, तोमर, भदानक, गुर्जर, प्रतिहार, ये सभी आपके हरियाणा में एक्टिव थे। तो आपके पूर्व मध्यकाल से पूछेगा यानी कि मध्यकाल से पहले का जो मूर्तियां मिली है वो किसकी है, वो किसने बनवाई, ज्यादातर प्रतिहारों ने और आपके तोमरों ने। तो आपको ये पॉइंट भी याद रख लेना है। अब जिसने ये समझ कर किया होगा वो बिना ऑप्शंस के भी इसको बता देगा कि पूर्व मध्यकाल से पहले हमारे यहाँ पर कौन एक्टिव थे, तोमर, तोमरों से पहले चौहान, चौहानों से पहले आपके प्रतिहार, गुर्जर, प्रतिहार। तो यहाँ पर यही इन्हीं की मूर्तियां ज्यादा देखने को मिली होंगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, जैसे विष्णु की मूर्ति है, विष्णु की मूर्तियां बहुत सारी जगह से प्राप्त हुई, उसमें से आपके मोहनबाड़ी क्या है, मोहनबाड़ी झज्जर में है, यहाँ से क्या मिली आपके भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। इसके बाद सरसैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है ये। आज की बात नहीं है, मैंने तो बहुत सारे एग्जाम ऐसे देखे हैं जिसमें ये क्वेश्चन मैंने देखा है, सरसैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति, ये मिली है फिजीलपुर सोनीपत से, या फाजिलपुर भी हम इसे कह सकते हैं, कहीं कहीं फिजीलपुर लिखा है, कहीं कहीं फाजिलपुर लिखा है। तो ये फाजिलपुर कहाँ पर है, सोनीपत में है, और सरसैया पर क्या है, लेटे हुए हैं कौन, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु की सरसैया पर लेटे हुए की मूर्ति कहाँ से मिली, फाजिलपुर सोनीपत से मिली है, ये आपको याद रखना है। और विष्णु की जो मूर्ति थी वो कहाँ से मिली है, मोहनबाड़ी झज्जर से मिली है। इसके बाद सबसे प्राचीन मूर्तियों की बात की जाए हरियाणा में, तो मैंने आपको बताया था हड़प्पा से मिली है, हड़प्पा से यक्षयक्षिणी की मूर्तियां आपके हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं। और वो कहाँ पर रहते थे, इस तरीके से नदी के किनारे रहा करते थे और नदी की पूजा किया करते थे, यक्षयक्षिणी की पूजा करते थे, किससे बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे, और ज्यादा मूर्तियां आपकी कौन सी शैली में बनी, हरियाणा की मथुरा शैली में आपकी हरियाणा की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं सभी आपके बहुत जरूरी हैं, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं और चाहे तो इस क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हरियाणा की दो प्राचीन नदियां कौन सी थी, सरस्वती और एक थी दृश्वती, जिसका वर्णन वामन पुराण में देखने को मिलता है। और ये कहाँ पर थी ज्यादा, ये सप्त सैंधव प्रदेश में थे, सिंधु सभ्यता की क्या थी ये, मतलब सिंधु सभ्यता में फेमस नदियां थी, यहाँ पर ये बस्तियां बसी हुई थी इनके आसपास। इसके बाद हरियाणा में मूर्ति कला में जो प्रथम गांव किलोई, किलोई के साथ साथ किलोई रोहतक का है, किलोई के साथ साथ आपके बेरी झज्जर, यहाँ से क्या मिले, शिव के मुख लिंगम मिले हैं जो चित्तीदार पत्थर पर उकेरे गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपके गुप्तकालीन रोहतक का भरा यानी कि भगवान विष्णु और हांसी का भरा मिला, ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ पर हरियाणा से प्राप्त धार्मिक मूर्तियां जो है वो टेराकोटा यानी कि पक्की ईंटों की बनी हुई थी, ये आप भी आपको याद रखना है। इसके बाद कलायत कैथल से आपको गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित मंदिर मिले हैं, ठीक है, दो शिखर वाले मंदिर मिले हैं। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था शुंगकालीन मूर्तियां आपको शुद्ध से, कुषाणकालीन मूर्तियां आपको रोहतक से, और पूर्व मध्यकाल की जो मूर्तियां हैं वो तोमर की, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, इन सबकी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद विष्णु की मूर्ति की बात की जाए तो मोहनवाड़ी से और फाजिलपुर सोनीपत से, ठीक है, विष्णु की सरसैया पर लेटे हुए की मूर्ति। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होंगे। तो हमारे हरियाणा का ऐतिहासिक परिचय का फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा 9 क्लासेस में कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो टोटल हमारी 8 से लेकर 9 क्लासेस है हरियाणा के ऐतिहासिक परिचय की। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं, उसको देखने से क्या होगा, आपकी समझ बनेगी, ठीक है, और आप एग्जाम में उसको अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने जो क्लासेस कराई है बहुत डिटेल के साथ में कराई है, ठीक है। अगर आपको लगता है ये क्लासेस किसी के लिए हेल्पफुल है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इतने हमारे चैनल के साथ बने रहे, थैंक यू।